दो दिन से मैं बिहार के प्रवास पर हूं। कल राजगीर में एशिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट को फाइनल मैच देखने के लिए मैं गया। इंडियन टीम जीती, मैंने इंडियन टीम का परफॉर्मेंस देखा। राज्य सरकार ने करा हुआ आयोजन को देखा, मैं इंडियन हॉकी टीम, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम एवं स्टेट गवर्नमेंट को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और धन्यवाद भी। दोस्तों, सफलता के लिए सबसे पहले लक्ष्य तय करना होता है और लक्ष्य तय करने के बाद ए लक्ष्य को, गोल को अचीव करने के लिए रोड मैप बनाना होता है। आप सब फेडरेशन के साथ, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आपके संज्ञान में आए इस हेतु में बताना चाहूंगा कि लक्ष्य को, गोल को अचीव करने के लिए कैसी कार्ययोजना बनानी चाहिए और सरकार ने बनाई है। मोदी जी ने कहा कि हम 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमारा देश विकसित हो, और विकसित भारत बनाने के लिए सारे सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कल्चरल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर्स, ऑल टाइप ऑफ सेक्टर में हमें प्रगति करनी होगी। स्पोर्ट्स भी एक ऐसा सेक्टर है जो देश की प्रगति को दिखाता भी है, दर्शाता भी है, और इसलिए 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। उसके बीच में एक पड़ाव रखा 2036 में इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करे। जब दुनिया ने ओलंपिक होस्ट करा है तब इस देश की छवि भी बदली है, और इस छवि के प्रति, इस देश के प्रति दुनिया को देखने का नजरिया भी बदला है। तो मोदी जी ने कहा 2036 में हम देश में ओलंपिक होस्ट करें, और उस वक्त हम स्पोर्ट्स में 1 से 10 क्रम में होने चाहिए, और जब हम डेवलप्ड कंट्री बने यानी कि 2047 में स्पोर्ट्स सेक्टर में हमारी पोजीशन 1-5 होनी चाहिए। लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करना होगा। आज खेलो इंडिया चल रहा है, सबसे पहले ए विजन को विजुलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी होगी। स्पोर्ट्स पॉलिसी पर काम चल रहा है, आप सब लोगों से कमेंट मांगी गई है। आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाके भी आपकी कमेंट दे सकते हो। ए स्पोर्ट्स पॉलिसी तय हो जाने से एक विजन बनेगा, गोल तय हुआ, गोल को अचीव करने के लिए विजन बनेगा, विजन का इंप्लीमेंट करने के लिए एक दूसरी व्यवस्था यानी कि वेबसाइट पर, शायद अभी डेट उसकी खत्म हुई, स्पोर्ट्स बिल, ताकि देश को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम स्पोर्ट्स को दिशा भी देंगे और उसको कार्यान्वित भी करेंगे, उसके लिए स्पोर्ट्स बिल का विचार करा गया है। आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स बिल पार्लियामेंट में आएगा, पारित होगा, उसके आधार पर गुड गवर्नेंस बनेगा, और हम 2036 और 2047 के गोल को अचीव करेंगे। एक गवर्नेंस साइड हुई। दूसरी साइड, अब हम स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप करें, उसके लिए खेलो इंडिया का विचार करा गया। खेलो इंडिया के तहत सबसे पहले हमें ग्रास रूट टैलेंट को आइडेंटिफाई करनी होगी। दुनिया में 9th ईयर के जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो तो सारे दुनिया में सेम ही है,
उसको शेप देना है। शेप देने के लिए हम क्या करेंगे? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क प्लान हम तैयार कर रहे हैं। कीर्ति प्रोजेक्ट के तहत इस बार थोड़ा प्रयास करा गया उसको और अच्छा शेप देके स्कूल लेवल पर और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, स्टेट की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फेडरेशन और भारत सरकार की स्पोर्ट अथॉरिटी, सब लोग साथ में मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्लान बनाएंगे और हर साल ऐसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कार्यक्रम करा जाएगा, ताकि हम 2036 के लिए एथलीट तैयार करना है तो अभी हमें पिक करना होगा 9 से 15 इयर्स के बीच के बच्चे को। उसको आइडेंटिफाई करके, टैलेंट तो आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड में क्या करेंगे? उसको नर्चर करना पड़ेगा, उसकी टैलेंट को नर्चर करके उसको डेवलप करना पड़ेगा। नर्चर के लिए एक ऐसा मॉडल डेवलप करने के लिए हम सोच रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल स्पोर्ट्स स्कूल हो। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही चलाए, कोई प्राइवेट स्कूल है जिसके पास अच्छे हॉस्टल है, बच्चे पढ़े भी और उसकी टैलेंट भी नर्चर हो स्पोर्ट्स की, ऐसे स्कूल में जिसके पास प्लेग्राउंड हो, जिसके पास हॉस्टल हो, जिसके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हम सिलेक्ट करके वहां इस डिस्ट्रिक्ट की टैलेंट को रखी जाएगी, नर्चर करी जाएगी, वहां उसका नर्चर होगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेंट करेंगे खेलो इंडिया के तहत, उसमें से वो आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें से नेशनल लेवल पर खेलने के लिए और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस करने के लिए ऐसे टैलेंट को फिर हम टॉप में लाएंगे। टॉप स्कीम के तहत ऐसे हमारे एथलीट, उसको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, उसको अच्छी अच्छी कोचिंग मिले और अच्छी कोचिंग के लिए बाहर से कोच को हायर करना पड़े तो भी हम कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्लेयर टू कोच की आवश्यकता हो उसके लिए भी काम चल रहा है। हमारे एथलीट को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग की आवश्यकता हो वहां भी भेज रहे हैं। ये सारी व्यवस्था सरकार की ओर से हो रही है। मैं उसमें और आगे जाके सोचना चाहता हूं, वन स्टेट वन पीएसयू, स्टेट के स्पोर्ट्स को एडॉप्ट करेंगे, उसके पीछे उसका सीएसआर का खर्च करेंगे और वन स्पोर्ट्स वन कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जोड़ के हम ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें फेडरेशन हो, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर हो और गवर्नमेंट हो, तीनों को बाइंडिंग करके एक एग्रीमेंट करके हमें स्पोर्ट्स के पीछे कोई संसाधन की कमी ना रहे उसकी चिंता करेंगे और उनके बाद नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स में लीग 2025 से चालू करना चाह रहे हैं। हमने 13 जैसे स्पोर्ट्स फर्स्ट चरण में आइडेंटिफाई करा है जिसमें नेशनल लीग हो, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर अपनी अपनी टीम को बनाए, अच्छी ट्रेनिंग दे, अच्छी कोचिंग दे और लीग के द्वारा हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। साथ में हमने यह भी सोचा है, जब देश में कोच अपने एथलीट को ट्रेन करते हैं, उसको भली भांति समझते, सिस्टम, कार्यशैली, जीवन शैली सब समान होते हैं, आज हम विदेश से कोच मंगवाते हैं। मैं मानता हूं कि बेस्ट एथलीट तैयार करना है तो देश में बेस्ट कोच होना चाहिए। जब देश में बेस्ट कोच हम बाहर से भी ला सकते हैं, देश में भी डेवलप कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य है कि हम बाहर से लाए कोच को ट्रेनिंग देने के लिए और मेरे कोच दुनिया में जाए, दुनिया में ट्रेनिंग लेके आए, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर, एक बार कोच का बन जाएगा
जो व्यवस्था सुविधा मेरे एथलीट के लिए मिल रही है वही सुविधा और वही व्यवस्था मैं मेरे कोच के लिए डेवलप करना चाहता हूं, तब जाके हम स्पोर्ट्स को आगे ले जाएंगे। दोस्तों, देश में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, ये देश बहुत सामर्थ्यवान देश है। मैं इस धरती पर खड़ा हूं जिस धरती ने दुनिया को संदेश दिया था, गुड गवर्नेंस भी सिखाया था और बेस्ट शासन व्यवस्था भी बताई थी। यही चाणक्य की धरती है, यही चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है दोस्तों, और इसलिए पोटेंशियल की कमी नहीं है। सवाल है पाथवे तय करके उसको गोल की ओर ले जाना, जिस तरह से अभी कार्य योजना हम बना रहे हैं। और सारे काम में मोदी जी ने हमेशा कहा है कि देश को आगे बढ़ाना है तो देश के 140 करोड़ की जनता का सामूहिक संकल्प होना चाहिए। हम सामूहिक संकल्प करें, कोई एक व्यक्ति एक स्टेप आगे लेता है तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। 140 करोड़ की जनसंख्या एक स्टेप एक संकल्प के साथ जब आगे बढ़ती है तब देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाता है। हमें 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ना है, इसलिए स्पोर्ट्स सेक्टर में हमें आमूलचूल परिवर्तन के साथ नया क्लेवर के साथ आगे बढ़ना है। मैं आज देख रहा हूं, मुझे दुख भी होता है, फेडरेशन में जिस तरह से लिटिगेशन चलते हैं उससे बच्चे लोग सफर करते हैं, मेरे एथलीट सफर करते हैं। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होना चाहिए और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है, वहां सब लोग खेलते हैं खिलते हैं, वहां कोई हारते नहीं है लेकिन जीतते जाते हैं। हमें उसको जिताना है, इसलिए हम फेडरेशन है। हमारी पोजीशन देश के खेल को आगे बढ़ाने के लिए है, हमारी व्यवस्था स्पोर्ट्स को सहयोग करने के लिए है, स्पोर्ट्स को एकाकार करने के लिए है, और इसलिए फेडरेशन सरकार एथलीट एक साथ में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।